सबसे पहले तो राम 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 भाई सारे भाइयों को। मैं राकेश बघेल स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल DTC इन्फॉर्मेशन पर। तो हेडक्वार्टर के द्वारा जो है चेकिंग अभियान चलाया जाना है, जिसकी तारीख जो है 29 मार्च 2023 रखी गई है। एक PDF जो है शेयर की गई है हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें जो है कि 12 पॉइंट बताए गए हैं जिन पर जो है ध्यान दिया जाएगा। तो उससे पहले जो है टाइमिंग है, टाइमिंग आपको बता देता हूँ। टाइमिंग जो है सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक जो है स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, और इवनिंग में जो है 5 बजे से 7 बजे तक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो है टोटल 12 पॉइंट दिए हुए हैं जो जिन पर कि ध्यान दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है बस क्लीनलीनेस का है, जिसमें कि बस की सफाई को देखा जाएगा। दूसरा जो है क्रू विदाउट यूनिफॉर्म, यानी जो बस का जो स्टाफ है ड्राइवर या कंडक्टर या मार्शल, वो वर्दी में है कि नहीं। और तीसरा जो है टिकट लेस ट्रैवलिंग, यात्रियों को देखा जाएगा वो बिना टिकट के हैं या नहीं। और चौथा जो पॉइंट है वो ओवर ट्रैवलिंग बाई पैसेंजर, पैसेंजर जो अपनी टिकट से अधिक यात्रा करता है, ऐसे लोगों पर जो है खास ध्यान दिया जाएगा। पाँच पर जो है कंडक्टर नोट आस्किंग फॉर टिकट, कंडक्टर जो है आवाज़ नहीं लगाते हैं कि अपने टिकट ले ले, इस चीज़ पे जो है ध्यान दिया जाएगा। छठा जो है बस लेन डिसिप्लिन है, कि बस जो है अपनी लेन में चल रही है या नहीं। सातवां जो है रश ड्राइविंग एंड इम्प्रॉपर पार्किंग है, जिसमें कि गाड़ी कोई तेज़ गति से तो नहीं चला रहा है। और आठवां जो है नॉन स्टॉपिंग ऑफ बसेस बाई ड्राइवर्स एट प्रॉपर बस स्टॉप, ड्राइवर के द्वारा जो है गाड़ी को उचित बस स्टॉप पर रोका जा रहा है कि नहीं। और नौवां जो है ड्राइविंग दी बस विथ गेट ओपन, ड्राइवर के द्वारा बस का जो है गेट खोलकर गाड़ी को तो नहीं चलाया जा रहा है। और 11वां 10वां जो है ट्रैवलिंग बाई पैसेंजर विथ बोगस पासेज, कई पैसेंजर जो होते हैं वो नकली पास के द्वारा जब भी जो है यात्रा करते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी जो है खास ध्यान दिया जाएगा। 11वां जो पॉइंट है वो एनी अदर इरेगुलेटरी रिलेटेड टू प्रेजेंटेबिलिटी ETC, इसमें जो है किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा। और 12वां जो है अल्टरनेंस ऑफ मार्शल इन बसेस, बसों में जो है मार्शलों को भी देखा जाएगा वो अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क हैं या नहीं। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, नीचे जो है इन्होंने पॉइंट दिए गए हैं कि चेकिंग स्टाफ जो है किन किन जगहों पर खड़ा होगा स्पेशल चेकिंग, तो उनकी भी जो है हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो है नॉर्थ का देख लेते हैं। नॉर्थ में जो है टोटल 16 15 पॉइंट हैं, तो 15 पॉइंट चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर जो है चेकिंग स्टाफ चेकिंग करेगा। तो GT के बाईपास से जो है मधुबन चौक, सेकंड जो है चेकिंग स्टाफ होगा GT के बाईपास से बुराड़ी, तीसरा जो होगा मधुबन चौक से पीरागढ़ी, चौथा जो होगा मधुबन चौक से वजीरपुर डिपो, पांचवा बुराड़ी एक्सिंग से GT के बाईपास, छठा GTB नगर से आज़ादपुर, सातवां GTB नगर से ISPT, आठवां आज़ादपुर से आदर्श नगर, और जो नौवा है वो वजीरपुर डिपो से पंजाबी बाग, 10वां पीरागढ़ी से पंजाबी बाग, 11वां पीरागढ़ी से नागलोई, 12वां सकूरपुर शिव मंदिर से वजीरपुर, 13वां मुंडका मेट्रो स्टेशन से नागलोई, 14वां जहांगीरपुरी मोड़ से GT के बाईपास, और 15वां जो लास्ट है वो टीकरी बॉर्डर है। तो अगला जो है वो ईस्ट का देख लेते हैं। ईस्ट में जो है टोटल 20 पॉइंट हैं। तो 20 में जो पहला है वो गाजीपुर डिपो से आनंद विहार, दूसरा जो है गाजीपुर डिपो से गाजीपुर विलेज, तीसरा जो है रामप्रस्था से गाजीपुर, चौथा है जगतपुरी से सादरा, पांचवा है राधेपुरी से हसनपुर डिपो, छठा है खिचड़ीपुर से सराय काले खां, सातवा है नंदनगरी डिपो से बजनपुरा, आठवा है शास्त्री पार्क से ISBT, नौवा है कल्याणपुरी से गाजीपुर डेरी, 10वां है DLF मोड़ से सीमापुरी डिपो, 11वां है हसनपुर विलेज से हसनपुर डिपो,
12वां कांति नगर से स्वर्ण सिनेमा, 13वां भजनपुरा से यमुना विहार, 4थाई ISBT से राजघाट, 15वां ITO से दिल्ली सेक्रेटरी यानी दिल्ली सचिवालय, 16वां ITO से तिलक ब्रिज, 17वां दिल्ली सचिवालय से ITO, 18वां दिल्ली सचिवालय से शकुरपुर, 19वां लक्ष्मी नगर से ITO और 20वां जो है नोएडा सेक्टर 37 से कालिंदी कुंज। अगला जो है साउथ में है, साउथ के जो है टोटल पॉइंट वो 16 हैं, तो 16 में जो है मंडी हाउस से फिरोजशाह, और दूसरा जो है मंडी हाउस से तिलक ब्रिज, तीसरा सरायकाले खां से IP डिपो, चौथा आश्रम से बदरपुर बॉर्डर, पांचवा संजय गांधी हॉस्पिटल से धौला कुआं, छठा संजय गांधी हॉस्पिटल से रिंग रोड, सातवां संजय गांधी हॉस्पिटल से मूलचंद, आठवां मुनिरका से IIT गेट, नौवां मुनिरका से बसंत गांव, दसवां कालका जी मंदिर से नेहरू प्लेस, 11वां अपोलो हॉस्पिटल से बदरपुर, 12वां नेहरू प्लेस से कालका जी मंदिर, 13वां नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली, 14वां जो है बदरपुर से MB रोड, और 15वां अंबेडकर नगर डिपो से मेहरौली, और जो लास्ट है 16वां बत्रा हॉस्पिटल से अंबेडकर नगर। लास्ट जो बचता है वो वेस्ट का जोन है। वेस्ट में जो है पहले नंबर पर RML हॉस्पिटल से केंद्रीय टर्मिनल, दूसरा जो है उत्तम नगर से तिलक नगर, तीसरा जो है उत्तम नगर से उत्तम नगर, चौथा जो है धौला कुआं से कापसेड़ा बॉर्डर, पांचवा जो है राजेंद्र प्लेस से करोल बाग मेट्रो स्टेशन, छठा जो है जनकपुरी से नजफगढ़, सातवां जनकपुरी से तिलक नगर, आठवां मधु विहार से पालम, नौवां सागरपुर से लाजवंती गार्डन, दसवां साईं बाबा मंदिर से नजफगढ़, 11वां तिलक नगर से रजौरी गार्डन, 12वां सादीपुर से पटेल नगर, 13वां सादीपुर से मोती नगर, 14वां महिपालपुर से धौला कुआं, 15वां मायापुरी से धौला कुआं, 16वां पंजाबी बाग से बजीरपुर डिपो, और जो लास्ट का 17वां है द्वारका सेक्टर 37 से द्वारका अंडरपास तक। तो ये जो है टोटल पॉइंट है जहाँ पर जो है चेकिंग टीमें खड़ी होंगी, और जो सभी स्टाफ को जो है देखा जाएगा वो अपनी वर्दी में हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क हैं या नहीं है। जो भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं, और जो ये तारीख जो है वो 29 तारीख है, 29 मार्च को जो है सुबह 8:30 से 10:30 और इवनिंग में 5 से 7 बजे तक स्पेशल अभियान चलाया जाएगा।